रोहित शर्मा हैज ऑल्सो रिटायर्ड फ्रॉम T20 इंटरनेशनल क्रिकेट. रोहित शर्मा हैज ऑल्सो रिटायर्ड, ब्रेकिंग न्यूज फ्रॉम T20 इंटरनेशनल क्रिकेट, एंड ऑफ एन एरा. रोहित रिटायर्ड, विराट रिटायर्ड. देखो विराट का प्रिडिक्टेबल नहीं था, विराट का मैं सोच रहा था शायद और खेल लेगा, रोहित का भी पता ही था, लेकिन इन दोनों ने परफेक्ट टाइम पे छोड़ दिया. दोनों ने कप जीता और दोनों ने छोड़ दिया. बहुत 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 बढ़िया. और यार रोहित शर्मा की किस्मत में था, देखो रोहित शर्मा नेक नियत से आया. रोहित शर्मा ने बोला भाई मैं टीम बनाऊंगा, उसने एक एटीट्यूड लेके आया टीम के अंदर की भाई हम अग्रेसिव क्रिकेट ही खेलेंगे. एंड ऑफ द डे कप जिता के ही माना. इंडिया में जब फाइनल हारा था आपने तो वो विजुअल देखे थे, ऑस्ट्रेलिया में सेमीफाइनल हारा था वो विजुअल देखे थे, एशिया कप T20 का हम फाइनल भी नहीं पहुंचे थे वो विजुअल देखे थे, लेकिन एशिया कप जीता वनडे का, और फिर अब आके T20 वर्ल्ड कप जीत गया. सो रोहित शर्मा विल ऑल्सो गो डाउन इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टन, फाइनेस्ट कैप्टन दैट इंडिया हैज एवर हैड. और बहुत अच्छा किया. और मेरे को आज भी भाई याद है वो दिन 2019 के बाद जब मैंने बोला था रोहित को कप्तान बना देना चाहिए इमीडिएटली वाइट बॉल में, लेकिन उन्होंने 2 साल लेट कर दिया. देखो ना विराट को दे पाए ढंग से टाइम, ना रोहित को दे पाए ढंग से टाइम, बट रोहित ने फिर भी प्रूव करा कि उसकी थॉट प्रोसेस जो थी ना उसके मद्देनजर चलते हुए जिता के ही माना और जिता दिया. सीधी बात है, ऑब्वियस ही बात है, जो टेम्पलेट की बात की थी 2022 में सक्सेस शुरुआत में नहीं मिली, 2 साल लगे, तीसरे साल में अल्टीमेटली आपको रिजल्ट मिल गया. अब जो भी टीम एक टेम्पलेट को फॉलो करती है, गेम चेंज करती है, तो इनिशियली रिजल्ट नहीं मिलते. मैं बार बार कंपेरिजन करता हूँ ऑयन मॉर्गन से, बिकॉज उन्होंने भी 15 के बाद चेंज करा था. 16 में वो नहीं जीते, 17 में वो नहीं जीते, पर 19 में वर्ल्ड कप जीता. जो मर्जी हो बाउंड्री काउंट से जीत लिया, जो जैसे भी जीते, बट जीत लिया. सेम गोज विद रोहित शर्मा, जब से कप्तानी संभाली बोला कि नए तरीके से खेलेंगे, 22 में रिजल्ट नहीं आए, परफॉर्मेंस नहीं आई, टेम्पलेट चेंज नहीं करा. 2023 का वर्ल्ड कप देख लो कैसे रन बनाए और उसी टेम्पलेट से बनाए. ये आदमी जिसको मुंबई इंडियंस ने टीम से निकाल दिया आफ्टर विनिंग 5 ट्रॉफीज, इतने स्ट्रेस के बावजूद, आईपीएल भी कुछ खास नहीं गया इस बार, इतने स्ट्रेस के बावजूद ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में जाके हार गए, हार्दिक कप्तान बन गया, सब कुछ इसके साथ हुआ, बट भाई ये जिता के ही माना. अल्टीमेटली इट वॉज हिज विजन. अल्टीमेटली आप यही बोलोगे रोहित्स मैन लिफ्टेड द वर्ल्ड कप बिकॉज ही इज द कैप्टन, ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप. जीत भी इसकी, हार भी इसकी, और यही जिताया भाई इसी ने. विराट की परफॉर्मेंस इसने दिलाई फाइनल के अंदर, उसको बैक किया. आप देखो शिवम दुबे को बैक किया, आज उसकी परफॉर्मेंस आई. हार्दिक पांड्या, भाई साहब इतना कुछ हो गया इन दोनों के बीच में, बट हार्दिक ने अपनी जान लगा दी इसके लिए. इस आदमी ने कुछ तो अच्छा करा होगा, हमें नहीं पता बिहाइंड द सीन्स इनके. देखो इन दोनों के बीच में क्या फ्रिक्शन था कुछ कोई नहीं जानता इनके अलावा, क्या इक्वेशन है, लेकिन हार्दिक ने अपना दिल निकाल के रख दिया आज रोहित के लिए. हारा हुआ मैच जिता गया हार्दिक, तो इसके लिए प्यार होगा, रिस्पेक्ट होगा, तभी तो आके उसने किस भी करा उसको चीख पे रोहित ने एंड में थैंक यू बोलने के लिए. सही बात है, ये बॉन्ड है, ये सबको साथ में लेके चला यार, सबका साथ सबका विकास वाकई इसने करा. एंड इवन कपिल देव ने भी कहा था, कपिल देव ने भी कहा था कि रोहित शर्मा की खास बात ही यही है कि टीम को साथ लेके चलते हैं, सबको खुश रखते हैं, टीम को साथ लेके चलते हैं. बिल्कुल, कपिल देव साहब का स्टेटमेंट तो आपको याद रहेगा. यंगस्टर से अगर आप पूछे, कई बार हमने देखा हर कोई रोहित शर्मा की बात जो है वो करता है, रोहित भैया ने हमेशा सपोर्ट किया है. लेकिन ये बोलूंगा यार के बड़ा इमोशनल मोमेंट है. पहले मैंने जब विराट ने वो अनाउंसमेंट की थी, मैंने प्रियांशु को लगाया था कि प्रियांशु जो विराट सबसे बड़े फैन है, तो रोहित शर्मा के लिए, क्योंकि मैं रोहित फैन रहा हूँ बिल्कुल. देखो हेडमैन भी रोहित बने थे एक तरीके से, जो T20 में 35 में 100 मार दिया था जब उनका पीक टाइम था, और अब जो है वो जीत के बाद जो है सही टाइम पर ओनली प्लेयर, ओनली प्लेयर टू प्ले एवरी इंटरनेशनल T20 वर्ल्ड कप अलोंग विद शाकिब अल हसन. शाकिब तो वो धक्के से फिर भी खेल गया, 26 में उसका भरोसा नहीं है, पर भाई जिस एक इंसान ने तरीके से खेला है, जिस एक इंसान ने लेगेसी बनाई है, जो इंसान आईपीएल का सबसे सफल कप्तान रहा एक समय पर, वहां कप्तानी से निकाला गया, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप जितवाना, धोनी को हराने वाला कप्तान कप्तान जिसने MS धोनी को एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स फाइनल में हराया, मुंबई इंडियंस को जिताया 3 बार फाइनल में, 1 2 3 इंडिया के लिए टाइटल ट्रॉफी जीती है, कपिल देव, MS धोनी, रोहित शर्मा, बिल्कुल. तो जो 2026 में तो इंडिया के कर्म अच्छे होते हैं ना, तो आपको फल भी अच्छा ही मिलता है. गीता में लिखा हुआ है, ऐसे नहीं लिखा हुआ है. से लेके 2024 का ये जो एरा देखा था,
ये जो 11 साल देखे जिन्होंने जैसे कुरैशी जी मैं सभी नहीं सब हम सारे यार सुशांत में तो कराची से नहीं 1934 से तो हमने जो देखा था दोनों को ही देखा था सही बात है आज ये दोनों जो है वो रिटायर हो रहे हैं फॉर्मेट से नितिन का थोड़ा सा माइक में प्रॉब्लम हो रही है तो जो इन्होंने बकवास करी है मैं फिर से कर देता हूँ नहीं देखिए रोहित का बहुत 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 बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इंडियन क्रिकेट में एंड फाइनली वी गॉट द मंकी ऑफ आवर बैक्स यार जीतते नहीं हो जीतते नहीं हो भाई जिद सिद्धी बंदा है लेके चला टीम को आई थिंक विराट और रोहित की कप्तानी में डिफरेंस है यार देखो विराट इज टू बिग उसकी शैडो में सब खेलते थे मतलब कि विराट अकेले रन मारता था तो शायद ओवरवेल्म हो जाते थे लोग मतलब उसके लेवल का कोई बैटर तो है नहीं इस जनरेशन में तो शायद प्लेयर से वो जो कंट्रीब्यूशन है या जो उनकी क्या कहते हैं परफॉर्मेंस है वो नहीं निकलवा पाते थे विराट बिकॉज ही वॉज टू बिग रोहित मेरे ख्याल से यार सबके अंदर का बेस्ट निकाल के और बेस्ट टीम बना के लेके चले तो आई थिंक वाइट बॉल में रोहित ने बेहतरी प्रूव करा है इतनी जल्दी और मेरे को कोई इसमें हिचकिचाहट नहीं है अभी भी जाके आप वो देख सकते हैं स्पोर्ट्स तक का एपिसोड जो 2019 के बाद मैंने बोला था कि रोहित को इमीडिएटली वाइट बॉल कैप्टन बना दो इन लोगों ने नहीं बनाया हम हारे भी 2021 इसलिए बिकॉज उससे पहले विराट ने फ्लिप करा कि नहीं जी इसके बाद मैं नहीं रहूंगा अगर उससे पहले ही रोहित कप्तान होता कम से कम अपनी टीम बनाता 2 साल में देखो अभी भी 2 साल ही लगे ना 2 साल के बाद आपको जिता दिया सो आईपीएल 5 बार जीतने वाला कैप्टन उसने प्रूव करा कि आईपीएल से बड़ी लीग कौन सी है उसने प्रूव करा कि इंटरनेशनल में मैं जीत के दिखाऊंगा और जिता दिया उसने उसकी थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर थी और रोहित क्योंकि विराट नहीं जीते हुए थे आईपीएल के साथ आईपीएल में ट्रॉफी नहीं जीते हुए थे तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस रोहित के पास था ट्रॉफी जीतने का राइट और उन्होंने प्रूव करके दिखाया चलो दोस्त है अब तो दोनों हट गए तो अब नए बच्चों को ऊपर है भाई रोहित अब तो आप रेगुलरली जीतोगे नहीं रोहित बाय द वे कैप्टन भी ऐसे है ना अगर आप देखो जितनी यंगस्टर्स को लंबी रस्सी दी है ना रोहित शर्मा ने बहुत लंबी रस्सी दी है आप टेस्ट सीरीज याद कर लो इंडिया इंग्लैंड वाली जी जहाँ पे सारे यंगस्टर्स को मौका मिला एक एक यंगस्टर्स को मौका मिला आपने आईपीएल के बाद वैसे बोल दिया था 2023 में बोल दिया था कि नहीं बनता नहीं रहना चाहिए रोहित शर्मा को T20 फॉर्मेट छोड़ देना चाहिए मौका दो लेकिन फाइनली हाई पे छोड़ रहे हैं खुशी और अच्छी बात है लेकिन वो देखो जिसको आप देखते हुए आए हो जिसकी आपकी बैटिंग पसंद है जिसको आप पसंद करते थे वो उस फॉर्मेट में नहीं देखेगा वो उस फॉर्मेट में नहीं देखेगा चलो कोई बात नहीं लेकिन यंगस्टर्स आ रहे हैं यार देखो अल्टीमेटली मेरे हिसाब से चाहे वो रोहित शर्मा बहुत ही सही टाइम है जहाँ पे इन्होंने छोड़ा T20 क्रिकेट क्योंकि देखो आने वाले टाइम में ये फॉर्मेट जिस तरीके से आईपीएल में यंगस्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं यार वो भी कहीं ना कहीं डिजर्व तो करते हैं कि अब उनको भी मौका मिले उनको भी तैयारियों का मौका मिले यार 2 साल बाद आपको एक और वर्ल्ड कप खेलना है बिल्कुल जहां तक बात है रोहित की विराट की आईपीएल तो अभी तो ऐसा नहीं है कि सफर खत्म हो चुका है अभी WTC आपके सामने है एक बड़ा गोल है वो टेस्ट चैंपियनशिप भाई अल्टीमेट फॉर्मेट होता है वो क्रिकेट का वो आपने 2 बार आप पहुंचे नहीं जीत पाए वो भी एक गोल होना चाहिए अब तो सीधे दे दोनों रोहित शर्मा का बिल्कुल ये हो सकता है 2027 में शायद वो कंटिन्यू देखो हम रोहित के लिए बात कर रहे हैं लेकिन विराट के लिए नहीं बात कर रहे थे क्योंकि फिटनेस है और अच्छा सुपर चैट पे आ जाइए बट बहुत बढ़िया दोनों ने एक साथ आपको याद है रैना और धोनी ने एक साथ रिटायरमेंट ली आई थिंक 15 अगस्त का वो दिन था मुझे याद है और आज जीत कर रोहित अच्छे नोट पे एंड किया भाई अच्छे नोट पे मुझे लग रहा है ना कि 2027 जीतेंगे हम और उसके बाद ये दोनों लेजेंड शायद ओडीआई वर्ल्ड कप भी फिर वहां से करना चाहिए क्योंकि रोहित का सपना है ट्रॉफी के लिए आंसू आ गए थे अब इन दोनों के लिए अब इन दोनों के लास्ट तो टूर्नामेंट्स बचे हैं भाई।